2019 and themed with circular economy of productivity and sustainability. So this is opening ceremony, inaugural ceremony for this celebration. So I would like to invite on stage our honorable today's speaker, Mr. Sushil Varma, MD.Kusters, Calico Machinery Private Limited. Ms. Asha Dave, Vice Past President Sir, Honorable Secretary Sir, Sri Jitendra P. Vakharia Sir, President SGTPA, Vice President and Honorable Treasurer SGPC. Request to all of you, please. So, આપણી ભારતીય પરંપરા અનુસાર હવે આપણે ફંક્શનની શરૂઆત સૌ પ્રથમ દિયા લાઇટિંગથી કરીશું. સો રિક્વેસ્ટ કરું છું આપ સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોને કે આપ દીપ પ્રજ્વલિત કરીને આજના કાર્યક્રમને એનો શુભારંભ કરાવશો. રિક્વેસ્ટ કરતા હું આપ સભીસે કે આપ દીપ પ્રજ્વલિત કરકે આજ કે હમારી સેલિબ્રેશન કી શરૂઆત કરાએ જો હમારી ભારતીય પરંપરા હૈ. वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે સૌ આવસાન. કારણ કે જ્યારે ભગવાનની આરતી થતી હોય ત્યારે આપણે તાળીથી વધાવતા હોઈએ છીએ, તેવી જ રીતે આ પણ એક એવો જ અવસર છે. જેમ પેલું મોબાઈલમાં છોટા રિચાર્જ આવતું, તેવી રીતે આ આરતીનો છોટા રિચાર્જ છે, રાઈટ? તો આપણે તાળીથી ભરી એને વધાવીએ એન્ડ સેલિબ્રેશનની શુભ શરૂઆત કરીએ. એમ પણ આપણા ઘરને દરવાજે આપણે હંમેશા લખતા હોઈએ છીએ શુભ અને પછી લાભ, અને જ્યારે શુભ હોય તો લાભ આપોઆપ ત્યાં હોય છે. અને આજે આપણે જ્યારે બિઝનેસની જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઓ વિશે વિચારવા સમજવા માટે ભેગા થયા છીએ ત્યારે શુભથી શરૂઆત થાય છે એ આહલાદક કહી શકાય એવી ઘટના છે. Inauguration function of National Productivity Week 2019 celebration. Namaste. Aaj South Gujarat Productivity Council National Productivity Council ka जो एक वीक मनाया जाता है 12 से 18 फरवरी थ्रू आउट इंडिया, उसका 61वां वीक का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर रहा है. इस इनॉग्रेशन फंक्शन में मैं आशा दवे, प्रेसिडेंट साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो भरूच से वापी तक काम करता है, आप सभी का स्वागत करती हूँ. मंचस्थ किसी कारणवश हमारे चीफ गेस्ट कलेक्टर श्री आ नहीं सके हैं. साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी प्रोसेसर एसोसिएशन के प्रमुख श्री जितेंद्र वखरिया जी, कुस्टर्स कैलिको ये जर्मन कंपनी है जिसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़ौदा में है, उनके एमडी और मेरे फ्रेंड श्री सुशील वर्मा जी, मेरी टीम से ही वाइस प्रेसिडेंट श्री मयंक भाई दलाल एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री सीए योगेश घी वाला जी, और आप सभी जो प्रोसेस हाउसेस से यहाँ पे आए हैं,
हमने ये प्रोग्राम प्रोसेस हाउसेस के लिए भी टारगेट किया था, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हर साल 12 से 18 फरवरी के बीच में काफी इंडिया के काफी कंसल्टेंट्स मिलकर कोई एक थीम पर, भारत सरकार को एक थीम दिया जाता है कि इस थीम पर हम पूरे भारत में कार्यक्रम करें। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे आती है, उनकी 26 भारत में टोटल 26 लोकल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज वन ऑफ देम जो भरूच से वापी तक काम करती है। और इस साल 2019 में जो हमें थीम दिया गया है बाय एमपीसी इज सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी तो सुशील जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूएन यूनाइटेड नेशंस, तो 17 गोल दिए गए हैं बाय 2030, 2030 तक हमें कुछ 17 गोल पे काम करना है। उसमें एक मेरा प्रिय सब्जेक्ट है जेंडर इक्वलिटी, वो मैं यहाँ विषय पे चर्चा नहीं करूंगी, परंतु जो बाकी के 17 में से 7 को छोड़ के 10 गोल ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए और सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। अब सर्कुलर इकोनॉमी जब सब्जेक्ट पहली बार थीम हमारे पास भी आया तो हम भी गूगल पे सर्च करने लगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या हमारी भारत सरकार हमें क्या करने के लिए या वर्ल्ड की जो फोरम है यूएन वो क्या करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो बेसिकली ये वही है कि जीवो जीवस से भोजनम, जो हमारे पुराने में कहा जाता था कि एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, तो वेस्ट कुछ बचता नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक सर्कुलर पूरी की पूरी एक सर्कल में यूज हो जाता था। परंतु आज जैसे जैसे पूरी हमारा जीवन शैली और सब चेंज हुआ तो उसके अंदर में हम प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। जो ये थ्रो है वो एक बहुत बड़ा वेस्ट बन गया, इसमें प्लास्टिक्स भी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो भारत सरकार और सभी प्रोडक्टिविटी काउंसिल को एक प्रेरणा दी गई कि आप सभी जगह ये एक अवेयरनेस करिए कि जो है ये लीनियर इकोनॉमी से वी शुड गो बैक टू सर्कुलर इकोनॉमी। वहां पे हम जो प्रोड्यूस करेंगे, जो यूज करेंगे, उसके बाद जो थ्रो करेंगे उसके अंदर में हम 3-4 आर का यूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिफर्बिश करेंगे, रिपेयर करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक हमें एक सिस्टम दिया कि जिसमें कि हम वापिस अपने वेस्ट को मिनिमाइज करके हमारी प्राकृतिक संपदा को कैसे बचा सके। और यही हमारे साधु संतों ने और हमारे पूर्वजों ने कहा था, हम कहीं पे दूसरे यूरोप को और फॉरेन को जो कॉपी करने की होड़ में उतर गए और उसी चक्कर में हम अपने पाथ से लीनियर इकोनॉमी पे चले गए। और वंस अगेन एवरीबॉडी आज वर्ल्ड भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है कि वी हैव टू गो बैक टू सर्कुलर इकोनॉमी। अभी ये जो पूरा प्रोग्राम है हम पहले इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद नई इनॉग्रल फंक्शन के लिए जीतू भाई वखरिया जी, जो इनके बहुत व्यस्त शेड्यूल में से आज टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, इनकी संस्था के लिए मैं एक चीज बहुत ही आप लोगों को एक जोरदार क्लैपिंग करने के लिए कहूंगी कि इन्होंने जो अभी रिसेंटली एक एमओयू किया है ईईएसएल, भारत सरकार की जो एनर्जी सेविंग संस्था है उसके साथ में इन्होंने एमओयू किया है। और ये हमें बता रहे थे कि किस किस जगह पे किस किस तरह के अमेंडमेंट्स करके ये लोग मशीन में से कैसे एनर्जी स्टीम और वाटर इसका कंजर्वेशन करेंगे। जीतू भाई हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और हम स्पेशली हमने यहाँ पे लोकल चैनल बुलाई है, आप जरूर से आपकी ये जो थीम पे आप काम करने जा रहे हैं, आपकी संस्था काम करने जा रही है, यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त पॉलिटेक्निक से भी साथ लोग आए हुए हैं, वो अपने बच्चों को बताएंगे कि आगे आज एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जिसके पास 400-250 वर्किंग प्रोसेस हाउसेज है और 400 जैसे कोई प्रोसेस हाउसेज है, वो ऐसे मॉडिफिकेशन को लेकर कैसे आगे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी का तो आप साक्षात उदाहरण है। सो रियली वी आर थैंकफुल टू यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री जितेंद्र भाई वखारिया जी टू स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट अवर थीम एंड प्लीज कैरी ऑन द दिस इनॉग्रल सेशन। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल ना प्रमुख आशाबेन दवे, कैलिको इंडस्ट्रीज माथी आजना जे सर्क्युलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी अने सस्टेनेबिलिटी ना जे सब्जेक्ट पर जेने खूब सारू ज्ञान छे अने जे अपनी अगर एमने जे कई एनर्जी केवी रीते बचावी पानी केवी रीते बचावू એના માટે આવેલા એવા શ્રી સુશીલ વર્માજી, મયંકભાઈ દલાલ, યોગેશભાઈ ગીવાલ તેમજ તમામ મારા જુદી જુદી સંસ્થામાંથી આવેલા ભાઈઓ તેમજ ટેકનિકલ એમાંથી આવેલા અધ્યાપકશ્રીઓ, આશાબેન દવે મારું એક એમઓયુ કર્યું એના માટે ધન્યવાદ આપ્યા, આભાર આપનો. પણ એક વસ્તુ કહું કે આજે હું જે કઈ કરું છું અથવા તો જે મારી સાથે જે મારા અન્ય ઉદ્યોગના મારા મિત્રો છે કે સાથે મારા સાથીઓ સાથે કામ કરીએ છીએ, અમારો અત્યારે જે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની પરિસ્થિતિ છે એની અંદર જોબ ચાર્જિસ ના ભાવ વધારે એમ નથી, અને જો સાઉથ પ્રોસેસર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે જો મારે મારી કોઈ ફરજ અદા કરવી હોય ને મારા તમામ જે સભ્યોને બચાવવા હોય તો મારી પાસે એક જ રસ્તો હતો કે ડાયજન કેમિકલ્સ ના ભાવ ઘટવાના નથી, અમારા કંટ્રોલમાં નથી. જોબ ચાર્જિસ લેવા એ પણ અમારા કંટ્રોલમાં નથી. અમારા કંટ્રોલમાં માત્ર એક જ વસ્તુ છે કે જે અમે પાવરનો કેવી રીતે બચત કરી શકીએ, પાણીનો કેવી રીતે બચત કરી શકીએ, લેબર કોસ્ટ કેવી રીતે ઓછી લાવી શકીએ ને ઓછીમાં ઓછી એનર્જીથી કેવી રીતે એનું એ કરી શકીએ, એ માટે છેલ્લા 2015 હું આ સબ્જેક્ટમાં પહેલા કેરી સાથે, પછી ઈએલ સાથે, પછી ઈએ એમ કરીને અનેક સંસ્થાઓને મળ્યો, એમએસએમઈમાંથી મળ્યો, એમાંથી પણ મળ્યો બધાને, અને અંતે અમે લોકોએ આમાં 5 અમે એના એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે. એમાં જુદી જુદી ટેકનિક છે, કોઈમાં પાણી બચશે, કોઈમાં સ્ટીમ બચશે, કોઈમાં પાવર બચશે, કોઈમાં લેબર કોસ્ટ બચશે. એટલે આ મુદ્દે જે મને આશાબેને મને એ કહ્યું એના મેં તમને થોડુંક એનો સાર આપ્યો છે. ખાસ તો આજના જે આપણા જે સાઉથ ગુજરાત પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલે એક એમનું જે ટેકનિકલ એનું જે વીકની ઉજવણી અમારા સાઉથ ગુજરાત પોસે એસોસિએશનના પ્લેટફોર્મ પરથી કરેલી છે, ખરેખર હું સ્વાગત કરું છું, એમને શુભેચ્છા આપું છું. અને બીજું કે આ રીતના કોઈ પણ સહયોગની જો અમારી તરફથી જરૂર હોય આપને અથવા તો કોઈ પણ સંસ્થાઓને તો અમારું સાઉથ ગુજરાત પ્રોસેસર એસોસિએશન હંમેશા તત્પર છે. અને આવી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી, એવું નથી કે પ્રોસેસિંગ, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય ને અમે તો બેન્કિંગ વાળાને પણ અમે આ એમ જ વગર બારે અમે હોલ આપીએ છીએ. અમારો ઉદ્દેશ એક જ છે કે ભાઈ આ સંસ્થાકીય વસ્તુ છે, આમાં કોઈની અંગત પેઢી છે નહીં, એટલે આ સંસ્થાકીય વસ્તુ છે ને કોઈ પણ સંસ્થા હોય ને અમારા જો પછી તે વિવિંગ હોય, પ્રોસેસિંગ હોય કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીના હિતમાં હોય તો અમે હંમેશા તત્પર આ માટે રહીએ છીએ. ફરીથી આશાબેન તમને શુભેચ્છા આપું છું, ખાસ કરીને સુશીલ વર્માજી એમની સાથે જે મેં વાત કરી એમાં અમને એક જ મુદ્દો કહ્યો કે ભાઈ અમે પાણીનું વોટર લેવલ પેલું એક ફિક્સ હોય છે કે એનાથી લેવલ વધે નહીં, એટલે મને એવું લાગ્યું કે ખૂબ તમને સારી રીતે સમજાઈ શકશે. તો મારી તમને લોકોને બધાને વિનંતી છે કે આજે વર્માજી જેવા એક ટેકનિકલ માણસ આપની સમક્ષ આવ્યા છે તો તેનો ભરપૂર લાભ લેજો. સવાલ જવાબના ક્વેશ્ચનમાં જો કઈ સવાલો પૂછવા હોય તો ખુલ્લા મને સવાલ પૂછજો અને એમના જ્ઞાનનો આપને ખૂબ એનો એ લાભ લેવાનો છે. અંતે આજે મારા મને આજે પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તમે મારી સંસ્થાનું ને મારું માન સન્માન કહ્યું.
મને અહીંયા બોલાવી ને જે દીપ પ્રગટાવી ને એ કર્યું એનો આપ સર્વનો ખૂબ આભાર છું. વિનંતી કરું છું પ્રેસિડેન્ટ મેમ આપને સાથે સેક્રેટરી સર આપ જોડાશો. ફેલિસિટેશન કરશો શ્રી સુશીલ વર્મા સાહેબ નું, એમડી કુસ્ટર્સ કેલિકો મશીનરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. ત્યારબાદ આશાબેન આપને ફરી વિનંતી કરીશ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સર આપને પણ વિનંતી કરીશ કે આપ પણ શ્રી જીતેન્દ્ર પી વખરિયા સાહેબને મુખ્ય અને મોમેન્ટો આપીને એમને પણ આ તબક્કે અવકાશનું સન્માન કરશો. એસજીટીસી પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સર આપને વિનંતી કે શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ વખરિયા સાહેબને And now I request karunga Shri Sushil Varma sir se MD Kusters Calico. Yeah, please. I welcome Dr. D.V. Bhatt. Sir, hum log ek cheez jo main miss kar gaye apne presentation mein. Throughout productivity council हम क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, ये वीक जो है इसमें हम 7 प्रोग्राम करने वाले हैं और एक हम एक्सटेंडेड प्रोग्राम कर रहे हैं लंबा. आज जो पहला प्रोग्राम है इनॉग्रेशन के तुरंत बाद सेमिनार ऑन एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पे कुस्टर कैलिको के रिप्रेजेंटेटिव है श्री मेहुल भाई एंड मनोज भाई और कलर टेक्स से श्री हेमेंद्र भाई वो प्रस्तुत करेंगे. 13 तारीख मतलब कल हम लोग वनिता विश्राम की होम साइंस की स्टूडेंट्स उनको SVNIT में ले जा रहे हैं, जहां पे वहां के डॉक्टर केडी यादव ने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं सर्कुलर इकोनॉमी पे. जीतू भाई वो किचन वेस्ट में से मीथेन गैस बनाते हैं और उसी से हॉस्टल का खाना बनाते हैं और फ्लावर वेस्ट से वो लोग कंपोस्ट बनाते हैं. This is the best example of circular economy और वो हम home science की लड़कियों को बताना चाहते हैं ताकि वो future में इन तरह के इस तरह के projects में मदद कर सकें. 14 तारीख को there is one school in Surat which teaches in nature, बच्चों को nature में ही पेड़ के नीचे और इस तरह से पढ़ाते हैं, नालंदा school, उसकी एक visit रखी है. 15 तारीख का एक very important program that is e-vehicle के ऊपर हम we are doing a program with Saswat College तापी वराछा. ई व्हीकल टेस्ला टेक्नोलॉजी के विषय में बात की जाएगी, प्लस महिंद्रा जो अपनी ई कार एंड ई रिक्शा लेके आए, ई रिक्शा इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन सूरत, उसका लॉन्चिंग ही इस प्रोग्राम में हो रहा है. 16 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा है इंडस्ट्री 4 में, दैट इज एल्बो ट्रेडिंग विद जैनम हाउस. जैनम जो है वो सिक्योरिटीज में डील करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, but they are doing algo trading where the computer decides how to trade in the stock market. 17th there is a visit with the help of our vice president Shri Dhansukh Bhai Solanki who represents union on our board. Hum log Qatar gaon mein ek waste converter ki visit kar rahe hain. 18th there is a program with the fashion institute where the fashion INIFD वो उनके स्टूडेंट्स ने वेस्ट फैब्रिक में से गारमेंट्स बनाए हैं एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना फैब्रिक बन रहा है, इतने गारमेंट्स बन रहे हैं और वो बाद में वेस्ट में चले जाते हैं और उसका डिकम्पोजिशन होना बहुत मुश्किल है, तो वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाया जाए उसका एक पूरा सेमिनार करेंगे.
and on the same day in afternoon there is a program with Girls Polytechnic where a project consultant from Surat and abroad is doing projects on green buildings as well as various environment CTPK plants bhi bana rahe hain wo log. Iska ek presentation architecture ke students ke liye karenge. एक जो सबसे यूनिक चीज हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं जैसे कि ये थीम है सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी तो हम एक कंपटीशन ला रहे हैं फॉर इंडस्ट्री ऑटोनोमस बॉडी मतलब सूडा डीडीओ कलेक्टरेट डीडीओ एसएमसी एंड एकेडेमिया जो पार्टिसिपेट करेंगे एंड द थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन विल बी सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशन एंड प्रोसेसेस इन प्रैक्टिस मतलब सर अगर आपकी इंडस्ट्री इतनी अच्छी मशीन्स बना रही है जिसमें एनर्जी और पानी सेव हो रहा है तो हम चाहेंगे कि कुस्टर्स विल बी द फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू दैट कंपटीशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट बिकॉज़ दिस कंपटीशन एसजीपीसी इज डूइंग इन एसोसिएशन विद स्टूडेंट चैप्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर डीवी भट्ट टू कम हियर अलोंग विद दिस स्टूडेंट टू लॉन्च ऑफ दिस कंपटीशन एट दिस मोमेंट प्लीज सर We all are your students, sir. So don't worry. Dr. D.V. Bhatt is a senior professor from SK Lighting Mechanical Department. जोरदार ताली होगी आप सभी की थैंक यू सो मच और आज जिनको हम सुनने वाले हैं सेमिनार जिनका होने वाला है उनकी एक छोटी सी झलक हमें आप देखने को मिलेगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कहते हैं ना कि हम आज लोग हमेशा कहते हैं कि व्हेन आई कैन यूज इट एंड आई डोंट हैव टू मेक इट अगेन एंड अगेन एज अ रिप्लेसमेंट अगेन आई एम यूजिंग एंड सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड यू ऑलवेज लुक कोई बचा अब यहां पे लाइट जल रही है अगर मैं बोलूं ये प्रोग्राम खत्म हो जाए और इमीडिएटली लाइट बंद कर दें तो वी हैव सेव दैट एनर्जी एनर्जी सेव का मतलब लाइट सेव नहीं हुई लाइट किससे बनी कोल से बनी कोल से स्टीम बनी होगी और कोल कहां से निकला जमीन से निकाला गया तो दिस इज ऑल साइकिल जितनी ज्यादा आप कंज्यूम करते जाएंगे ज्यादा आपको निकालना पड़ेगा कहीं पे आपको वुड बनाना पड़ता है पेपर है सिंपल एग्जांपल देता हूं आजकल एक फैशन चल गया है कहीं पे जाएंगे आपको पेपर के नैपकिन मिलते हैं हम इंडिया में क्या यूज करते थे बहुत साल पहले क्लॉथ नैपकिन यूज करते थे वाई सिंपल क्लॉथ नैपकिन को आप धो सकते हैं बार बार यूज कर सकते हैं रुमाल हम हिंदुस्तान में सारे मेरे ख्याल से 99% लोग आज भी रुमाल यूज करते हैं पर फॉरेन में नहीं करते वो पेपर नैपकिन यूज करते हैं आप एक बार फॉरेनर के सामने बैठो आप खाना खा रहे होगे खाने में कम से कम 10 से 15 पेपर नैपकिन निकाल के फेंक देता है एक बार खाने के अंदर एक खाना खाया हाथ धोया एक खाना खाया हाथ पोछा एक खाना खाया ही इज वेस्टिंग नॉट ओनली पेपर ही इज वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्स पेपर कहां से बन के आया पेड़ से बन के आया पेड़ कहां से है ग्रीनरी है नहीं है तो पेड़ नहीं है तो ये एक साइकिल है हर चीज में सोचना पड़ेगा कि जिसको मैं इजीली बना नहीं सकता उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए तो ये इस साइकिल को अगर हम मेंटेन करेंगे हर चीज के अगर हम सोचेंगे नहीं मेरे को पेपर नैपकिन यूज नहीं करना है मेरे को क्लॉथ का नैपकिन यूज करना है हर रेस्टोरेंट में हर होटल में हर खाने के अंदर अगर वो मिलेगा साफ करो धो दोबारा यूज करो तो वी आर सेविंग द नेचुरल रिसोर्सेस सेम थिंग हम कप लेते हैं प्लास्टिक के कप होंगे इट कैन बी ए पेपर कप ठीक है पेपर कप है पेपर बनाना पड़ा या ग्लास का कप यूज करो ताकि बार बार रिसाइकिल करें पर प्लास्टिक से तो पेपर कप बेटर है कम से कम आप रिजनरेट तो कर सकते हो
उसको नेचुरल अर्थ में जाएगा तो दोबारा तो उसको कुछ आपको ये तो नहीं कि 100 साल वेट करना पड़ेगा कि वो मिट्टी में मिले। तो ये सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं जिससे अब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री विच माई कोलीग्स विल एक्सप्लेन यू, जो उन्होंने बताया कि मेन चीज क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करनी है, आपको वाटर कैसे सेव करना है और आपको एनवायरमेंट को कैसे अच्छा रखना है। यही सिंपल चीजें हर इंडस्ट्री में हर घर में, और ये ऐसा नहीं है कि हमको इंडस्ट्री में ही कर रहा है, ये चीज ऐसी है जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं और अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं हर चीज के लिए। तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको एक और दूंगा, एक जैसे कि फ्रियोन गैस आपने सुना होगा जो हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे, वो क्या था, उससे क्या हुआ, फ्रियोन गैस यूज करने से उससे पूरा का पूरा जो ओजोन लेयर थी वो धीरे धीरे डिप्लीट होने शुरू हो गई। बहुत साल बाद लोगों को पता चला नहीं इससे तो नुकसान हो रहा है, उससे अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ तक पहुंचने लग गई जो कि हार्मफुल थी, उससे हमारे स्किन का कैंसर हो सकता था। बट देयर इज एन अल्टरनेटिव, दे फाइंड आउट दे स्टार्टेड यूजिंग ए नॉर्मल HCF केमिकल विच इज बेटर देन दैट गैस एंड विच इज नॉट गोइंग टू डिप्लीट द लेयर। सो एक उसका ऑल्टरनेट है, हमें वो ढूंढना है हर चीज में, ऐसा कुछ नहीं है किसी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आजकल इंडिया में आपने देखा होगा सोलर एनर्जी के ऊपर कितना चल रहा है, और मेरे ख्याल से जो बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस जो उन्होंने मोदी ने जो स्पेशली किया है, ही इज मेड अ वर्ल्ड फोरम फॉर दैट, जहां पे सोलर एनर्जी की डिफरेंट कंट्रीज को मिला के इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे कि इसको बढ़ावा दिया जाए। क्या होने वाला है कि जो आज मैं फॉसिल फ्यूल यूज कर रहा हूं, जो कि पहली बात तो स्केर्सिटी है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं रहेगा, तो आज ही मेरे को रिसर्च करके उसको ऊपर लाना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा और ऐसा यूज करना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिकल वायबल हो जाए। आज की डेट में आपको रेट मालूम है, 2 रुपया 45 पैसे का एक यूनिट का रेट आ चुका है जो सोलर पावर बनती है। तो ये सब चीजें हैं जहां से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, और एनर्जी कंजर्व किया तो एनर्जी आपने बना लिया, यू हैव सेव्ड, यू हैव जनरेटेड। इट्स वेरी सिंपल टू डैट। हर ऑफिस के अंदर, हर टॉयलेट के अंदर, हर जहां पे आप लोग कम जाते हैं या जब जब भी जाते हैं, इट्स वेरी सिंपल थिंग, यू कैन आस्क द पीपल प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, प्लीज व्हेन द वाटर जब भी आप यूज करें उसको इमीडिएटली टैप बंद करें। हर जगह ऑफिस में, फैक्ट्री में पुश बटन टैप लगाएं। ये मैं सिर्फ बोलने के नहीं बोल रहा, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, आपने अपनी फैक्ट्री में ये किया है, अभी रेनोवेट किया मैंने, जितनी भी एलईडी लाइट्स थी, सॉरी जितनी भी पहले CFL या पहले तो वो वेपर लैम्प लाइट होते थे फैक्ट्री के अंदर, जो कि मेरी एक शेड के अंदर एक लाइट 260 वॉट की थी, जो अभी हमने एलईडी लाइट्स लगाई है जो सिर्फ 40 वॉट्स की है, तो 120 वॉट एक लैंप में सेव कर रहा हूं। एक शेड के अंदर मेरी 80 लाइट्स हैं, 4 शेड है, यू कैन इमेजिन हाउ मच वी आर गोइंग टू सेव ओनली बिकॉज ऑफ एलईडी लाइट्स इन द शेड। सिमिलरली ऑफिस की मोस्ट ऑफ द लाइट्स आर चेंज्ड, सिंपल प्रोसेस, ऐसा नहीं आग लाके चेंज कर दो, अगर बाहर लगी है एक प्रोसेस, मान लो ये लाइट जब भी फेल होगी मैं इसको एक एलईडी लाइट से चेंज कर दूंगा, और मोस्टली लाइट्स के अंदर होल्डर सेम आने शुरू हो गए, तो वो भी कुछ नहीं, आपको पूरा होल्डर चेंज करना पड़ेगा, बट थिंग जो भी चेंज होगी मैं चेंज कर दूंगा एलईडी से, एंड इट पेज यू बैक नॉट ओनली टू योर कंपनी, इट ऑल्सो पेज टू द नेशन, इट पेज टू यू इन इनडायरेक्टली ऑल्सो, एनर्जी इज बींग सेव्ड इन द कंट्री। फिर मैंने सोलर लगाया अपनी कंपनी में, वो भी आपको दिखाता हूं फोटोग्राफ उसका, सोलर सेल लगाया कि ऑफिस के अंदर जितनी भी एनर्जी रहेगी, अगर देखो मेरे ऑफिस में अगर मान लिया 50-60 कंप्यूटर थे, वहां पे हर कंप्यूटर के लिए एक यूपीएस था, अब हर एक में इतने सारे यूपीएस हैं, तो आज वो खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, आज उसकी मेंटेनेंस चाहिए, आज उसकी मेंटेनेंस चाहिए, एंड अनइंटरप्टेड पावर नहीं मिलती थी, कभी ना कभी उड़ जाता था, आप कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन का डाटा कर रहे हो, पावर उड़ गई तो गया आपका डाटा। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग ओके वी विल पुट अनइंटरप्टेड पावर थ्रू सोलर, वी विल पुट अ बिग बैटरी, वन इज चार्ज, वन इज ऑलवेज गिविंग टू द पावर टू माई ऑफिस, 24 आवर्स अनइंटरप्टेड पावर मेरे को मिलता है, तो दैट इज अनदर सेविंग वी हैव डन। जब ऑफिस नहीं चलता है तो वो ग्रिड को जाता है और मेरा जो बिल आता है वो उतना कम हो जाता है। वी हैव ऑल्सो लॉट ऑफ ग्रीनरी, आई विल शो यू, दिस इज अ व्यू और आवर फैक्ट्री, यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू सी, दिस विल बी लुकिंग, आपको सोचना पड़ेगा ये फैक्ट्री है तो ये सब क्या, दिस आर ऑल ट्रीज, इट्स लाइक ए गार्डन, आई रिक्वेस्ट यू whenever you want to come to Baroda, please pay a visit to our factory. You will be happy to see, aapko lagega ki aap garden mein hain. This is another view. Sheds hain, sheds ke upar ye pura ye office hai.
इसके ऊपर ये लाइट्स लगे, वो अपना सोलर सेल्स हैं, जो आपको दिख भी नहीं रहे होंगे यहां से. सच ए ग्रीनरी वी हैव, सो मेनी ट्रीज वी हैव. ये क्लोजर व्यू दिया है, ये बीच में गार्डन दिख रहा है आपको, इस चारों तरफ ट्रीज है गार्डन के. दिस इज नॉट समथिंग वी हैव डन स्पेशली करना है, एक थिंकिंग था जब से कंपनी बनी. एक ग्रीनरी रखनी है, पेड़ लगाना, क्या प्रॉब्लम है पेड़ लगाने में? पेड़ लगाए, आपके पास ही है, आप ही की जगह है, छाया रहेगी, अच्छा रहेगा, ग्रीन रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा. सो सिंपल थिंग वी हैव डन इट. और ये हमेशा रहने वाला है, आपके पास ही रहने वाला है. तो इट इज नॉट दैट कि आपको कोई बहुत बड़ा कुछ काम करना है, कुछ प्लानिंग करनी है. इट्स अ सिंपल थिंग, वेयर एवर यू आर, आप ऑफिस में आप गमले लगा सकते हैं. ऐसे ट्रीज आते हैं जिनको सनलाइट की बहुत कम जरूरत होती है. आप अगर थोड़ी सी भी जगह मिलती है आपको कहीं पे, वहां थोड़ी सी क्यारी बना के आप ग्रीनरी कर सकते हैं, एनवायरमेंट अच्छा कर सकते हैं. पानी आता है आपके पास जगह है, थोड़ा सा बोरवेल बना के पानी रिचार्ज लेवल ग्राउंड का कर सकते हैं. सो मेनी सिंपल थिंग्स यू कैन फॉलो इन योर डेली लाइफ. दैट इज ओनली कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. इट्स नथिंग ग्रेट. पढ़ने में देखने में लगेगा पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या बता रहे, कुछ नहीं कर रहे. और जो जो चीज आपको यूज है, पुरानी है, उसको रिप्लेस करनी है, तो न्यू एफिशिएंट मोटर्स हैं, i3 मोटर्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं. कहीं पे छोटा सा आया, चलो यार आज गर्म पानी चाहिए होता है, चलो एक छोटा सा सोलर सेल लगा के हॉट वाटर का लगा लेते हैं, खर्चा खत्म. एक बार आपने 50,000 रुपए लगाए, आपका खत्म हो गया. एक किलोवाट का 50,000 रुपए, 55,000 रुपए का खर्चा आता है, इट्स डन. तो ये छोटी सिंपल चीज है जिसको आप लगा के जीवन के अंदर अपना जो योगदान है, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Madam ki, ki main work pe nahi aaya, late pahuncha. Wo jo traffic main nahi bataunga, traffic hi tha, magar no excuse. Productivity week ke andar main har saal main productivity South Asia productivity se juda hua hoon saalon se. To uske andar har saal February mahine ke andar main productivity week ki celebration hoti hai. और हर साल अलग अलग थीम दिया जाता है. तो अभी सर्कुलर इकोनॉमी का थीम जो दिया गया, बहुत सारी बातें हो गई. तब मैं स्टूडेंट चैप्टर बीइंग एकेडेमिशियन बच्चों को उसमें लाना चाहता था, मगर उसमें लाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्शन के लिए गवर्नमेंट भी बोल रही है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट कम है, प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल. मैडम से हमारी बात हुई कि ऐसा एक इवेंट रखे जिससे बच्चों को भी लाभ मिले, इंडस्ट्री वालों को भी लाभ मिले और गवर्नमेंट बॉडी को भी इसमें इन्वॉल्व है. तो मैडम बोली हाँ करते हैं, कैसे करें? मैं कहूँ मैं बच्चा को तैयार करूंगा, इंडस्ट्री वाले को मेरा लायजन है तो उधर से लाइन अप करूंगा, मगर ये ऑर्गेनाइज करने में आपका सपोर्ट फुल फ्लेंज में चाहिए. तो इसके लिए इसकी कॉम्पिटिशन रखी है अलग अलग कैटेगरी के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए, स्टूडेंट इन ए टीम. तो उसके कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन के अंदर में होता है. ये पैम्फलेट शायद आप सबके पास पहुंच गया होगा, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इसका जो इंडस्ट्रीज के अंदर में वेस्ट टू बेस्ट हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से करती है. इंजीनियरिंग ये डिग्री नहीं है, कॉमन सेंस है. और हमारे यहाँ 95% एसेट इन द हैंड ऑफ द इलिटरेट पीपल. आईएम में पहले ये पढ़ाया जाता है कि 95% ऑफ द एसेट इज इन द हैंड ऑफ द 1-2% ऑफ द पीपल. तो ये इनोवेशन एंड नॉलेज का ये जमाना आया. आप करते हैं मगर उसकी रियल इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना है, वहां एजुकेशन की जरूरत पड़ती है. उसका कैलकुलेशन करने में लॉन्ग टर्म में कैसे सर्कुलर इकोनॉमी का एडवांटेज मिल सकता है, उसकी ब्रेक इवन पॉइंट. क्योंकि इंडस्ट्री के नाते मैं इंडस्ट्री से भी बार बार जुड़ा हुआ हूँ, खुद की इंडस्ट्री भी मैं चला चुका हूँ, मगर मैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर फेलियर हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण हूँ, बनिया नहीं था. तो 88-90 में मैंने इंडस्ट्री हालोर में सिक्योरिटी लिया था, इंजीनियरिंग. तो सिक्के की दोनों साइड जानते हुए बच्चों को मैंने बोला कि ये सर्कुलर इकोनॉमी में आपको कैसे करना है. तो दो एग्जांपल मैंने दिया, मैडम जहां उसके बच्चों की विजिट रखने वाली है, कि जो 800 बच्चों की हॉस्टल है उसमें फूड वेस्टेज कितना होता है, एक का 5 ग्राम गिनो तो भी कितना हो जाता है. तो इसके हिसाब से उसकी रिसाइकलिंग, और दूसरा जो टेम्परेचर,
साहब ने भी बोला कि सबसे न्यूसेंस वैल्यू एनवायरनमेंट में है तो टेम्परेचर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर में भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का पूरा लॉट बिगड़ जाता है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वेरियस कूलिंग सिस्टम आती है, कूलेंट आता है और रेडिएशन रेडिएटर का मटेरियल, ये सब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है मगर वो सर्कुलर इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है क्योंकि हम उसको डिस्पोजेबल ही बनाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जो चीज आती थी उसको डिस्पोज करना ही नहीं जरूरी था, रिसाइकलिंग रीयूज था, मगर इकोनॉमिक अगर हमको बढ़ाना है, सबको रोजी रोटी देना है, सर्व का विकास करना है तो नेचुरली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंडिस्पेंसेबल। तो ये मामले के अंदर में, ये कॉम्पिटिशन के अंदर में जो आप सब प्रोसेसिंग हाउस के इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, आपने कुछ न कुछ तो